नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ बुशरा। सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर रहे हैं बीजापुर से। सड़क निर्माण के दौरान गंगालूर पुसनार मार्ग पर दो आईडी बरामद हुए हैं। बुर्जी के पास सुरक्षा बलों को दो आईडी मिले हैं। माओवादियों ने सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने लगाए थे ये आईडी। थाना गंगालूर डीआरजी और संयुक्त टीम ने आईडी बरामद किया। 5-5 किलो की आईडी रिमोट सिस्टम से लगाए गए थे। बीडीएस की टीम ने आईडी को निष्क्रिय किया और निष्क्रिय करते वक्त की एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जवानों ने आईडी को निष्क्रिय किया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारा संवाददाता पवन दुर्गम फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पवन, कैसे जो जवानों ने आईडी को निष्क्रिय किया, कैसे इनको उस बात की सूचना लगी, किस तरीके से इस ऑपरेशन को चलाया गया? देखिए, लगातार जो नक्सली है वो सड़क का विरोध करते हैं, सड़क नहीं बने इसके लिए वो पोस्टर बैनर फेंकते हैं और लगातार जो सड़कें हैं उनको काटकर रास्ता जो जाम किया जाता है। ये गंगालूर थाना क्षेत्र का बुर्जी, पुसनार से बुर्जी जो सड़क बन रही थी उस बीच का की घटना है, जहां सुरक्षा बल के जवान आरोपी पर रोड ओपनिंग पे निकले थे और उसी दौरान मेटल डिटेक्टर से चेक किया गया तो वहां पे आईडी जो है वो दो रिकवर हुए हैं, जिनको रिकवर करने के बाद वहीं पे उनको ब्लास्ट करके निष्क्रिय कर दिया गया। आपको बता दूं, दो दिन पहले भी नक्सलियों ने कुटरू क्षेत्र के खेतुलनार में दो जो जेसीबी है जियो लाइन जो भी खुदाई कर रहे थे उनको आगजनी की थी। तो लगातार जो नक्सली है यहाँ पर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और दहशत फैलाने का जो काम है वो वहां पे किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पवन।